हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपके फोन ठीक से चार्ज नहीं हो रहा होता है, आपको लगता है कि कहीं मोबाइल में या चार्जर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इस उलझन को सुलझने के लिए मेरे पास एक छोटी सी डिवाइस है जिसका नाम है USB लोड टेस्टर। इस चीज की मदद से आप मोबाइल फोन की चार्जर की आउटपुट रेटिंग चेक कर सकते हैं, और इसके साथ आप आपकी फोन की चार्जिंग कंडीशन, जैसे कि वोल्टेज कितना दे रहा है, करंट कितना कंज्यूम कर रहा है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं इस डिवाइस का सर्किट ड्राइवर। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स है, जैसे कि एक USB मेल पोर्ट, एक डिजिटल वोल्ट एंड एमीटर, लोड रेजिस्टर्स, स्विचेस, LEDs, रजिस्टर्स और एक USB फीमेल पोर्ट। तो इस सर्किट के सब वर्किंग को समझने के लिए मैंने इसको चार अलग अलग हिस्सों में बांटा है। फर्स्ट है USB मेल पोर्ट। इसमें चार कनेक्शन होते हैं। पहला है VBUS, जिसमें हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं। सेकंड होता है D+, और इसे बोल सकते हैं Datum+। तीसरा होता है D-, जिसका मतलब है Data-। और चौथा है ग्राउंड, जिसमें हम ग्राउंड कनेक्शन देते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ VBUS और ग्राउंड को यूज़ करेंगे। सेकेंड है डिजिटल वोल्ट एंड एमीटर, इसके मदद से वोल्टेज एंड करंट डिस्प्ले होगा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि मार्केट में दो तरीके की DVA पाया जाता है। DVA मतलब डिजिटल वोल्ट एंड एमीटर, इसलिए इसके कनेक्शन भी अलग होते हैं। इसके बारे में मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इसका मैं पूरा डिटेल कनेक्शन भी बताऊंगा। थर्ड है लोड रजिस्टर्स। ये है इस डिवाइस का मेन चीज। अगर हम एक स्विच को प्रेस करते हैं तो करंट लोड रजिस्टर के थ्रू पास होता है, उसके बाद रजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। इस बेस में ही डिजिटल वोल्ट एंड एमीटर में डिस्प्ले होता है कि लोड रजिस्टर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। बस हम समझ लीजिए कि ये लोड रजिस्टर ही आपका फोन है, और कि इस तरीके से आपका फोन पावर कंज्यूम करता है। अगर आप चाहो एक टाइम में आप एक साथ चार या तीन लोड रजिस्टर को यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। जब करंट लोड रजिस्टर के थ्रू पास करेगा तब यह बहुत हीट छोड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर एक और कंपोनेंट यूज करेंगे जिसका नाम है हीट सिंक, जो इसको उतना हीट नहीं होने देगा। फोर्थ है USB फीमेल पोर्ट। इसमें पहले की जैसे ही
भी बस और ग्राउंड को यूज़ करेंगे। इस पोर्ट को तभी यूज़ करेंगे जब आप किसी डिवाइस की पावर कंज्यूमशन को जानना चाहते हैं, जैसे कि आपके फ़ोन, लैपटॉप। इस समय आप लोड रजिस्टर को ऑन मत करना। अगर आपने गलती से भी लोड रजिस्टर को ऑन कर देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उस समय आपका चार्जर शट डाउन हो जाएगा। अगर आप स्विच को ऑफ कर देंगे तो वो नॉर्मल मोड में आ जाएगा। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ कि ये डिवाइस काम कैसे करता है। तो चलिए इसको बनाते हैं।